सरकार को बर्खास्त किया जाए प्रियांशु जोशी। आज लखनऊ में कमलेश तिवारी न्याय यात्रा हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई थी, जिसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर कमलेश तिवारी न्याय यात्रा रोककर यात्रा में शामिल हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई, जिसको लेकर आज हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी द्वारा मुरादाबाद कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रियांशु जोशी ने पूरे घटनाक्रम की घोर निंदा करते हुए सरकार पर जमकर मुजुबानी हमला बोलते हुए कहा, यूपी में यह हिंदुवादी सरकार का मुखौटा लगाए यह बीजेपी सरकार है। आज लखनऊ में हिंदू संगठनों पर पुलिस द्वारा जो बल का प्रयोग किया गया वो बीजेपी सरकार के इशारे पर हुआ है। आने वाले 2022 के चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा और हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं इस निकम्मी सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए। क्या मानते हैं सरकार? मैं तो ये कहता हूँ, जब हिंदूवादी सरकार ये कहते हैं बीजेपी वाले, तो क्यों हिंदुओं के ऊपर इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं? मैं चाहता हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि ऐसी सरकार बीजेपी सरकार बर्खास्त होनी चाहिए जो हिंदुओं की नहीं सुन रही है। हिंदूवादी सरकार होने के बाद हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार है, बिल्कुल अत्याचार है। क्या आज के टाइम में कोई भी आदमी अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है? तो हम तो विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर रहे थे, अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी को न्याय दिलाने के लिए एक यात्रा निकाली गई, उस पर इस तरीके से वार किया गया। किस हिसाब से चाहे और भी चाहे विरोध करने के तैयार है, किस हिसाब से किसान कह रहा हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी से बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हिंदूवादी कार्य कर रही है तो अब मात्र एक ही पार्टी कर रही है, अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी के नेतृत्व में हिंदू समाज पार्टी कार्य कर रही है। सभी लोग मिलजुल कर हिंदू समाज पार्टी को सपोर्ट करें और उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज पार्टी की सरकार लाएं।